साहिबगंज जिरवा बाड़ी ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत मजहर टोला में आपसी विवाद में मां व दो पुत्री घायल हो गई। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मोहम्मद चांद की पत्नी नसरीन बीवी व रानी परवीन साथ ही निशा परवीन मारपीट के दौरान घायल हो गई, जहां मोहम्मद चांद की पुत्री रानी परवीन ने आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे हस्बैंड आए और अपनी बहन को बुलाओ और आने के बाद हमारे पति ने बोला कि तुम ताबीज लेकर क्यों गए हो। इसी बात को लेकर घर वालों को गंदी गंदी गालियां देने लगे। खालिया सास व एक छोटू नाम के युवक मारपीट कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति ने महिला थाने गए, जहां महिला थाना बंद होने की वजह से घायल व्यक्ति को लेकर अस्पताल पहुंच गए। इधर घायल व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में डॉक्टर की देख रेख में किया जा रहा है। नाम हुआ रानी पर। घर कहाँ है? अंजुमन नगर। हाँ। किस लिए मारपीट हुआ था? इसलिए एक ताबीज के लिए मारे। वो मेरे हस्बैंड आए मेरे घर पे और वो बोले कहा कि तुम अपनी बहन को बुलाओ, ताबीज लेके गए थे, मम्मी ना कॉल करी और बोली ताबीज आप क्यों लेके गए, तो वो बोले क्या कि हम आएंगे ना रात में तो रात में दे देंगे। इसलिए हम चले गए अपने खाला के घर, खाला के घर गए तो वो फिर आए दुकान से, जब वो एक राउंड बोल दिए कि हम आएंगे रात में तो वो घर आके मेरी बहन को और मेरी मम्मी को गंदा से गंदा गाली देने लगे और इनको मारने लगे और उनके घर गए हम। वो लोग आई उसकी मम्मी लोग, उसकी मम्मी और उसकी दोनों ननद मेरी और मेरी खालिया सास और एक कौन लड़का है, वो उन लोग बुला के मुझे खूब मारिया, मेरी मम्मी को, मुझे और मेरी बहन को, बड़ी बहन को पूरे से घायल कर। कौन कौन मारा है? मेरी ननद, दोनों ननद, एक खलिया सास और एक मेरी खलिया सास को कोई लगता है वो। क्या नाम है उनका? छोटू नाम है वो लड़का का। और ननद का? ननद का शिवरम खुशी और मेरी खलिया सास का जुगनू। मेरी मम्मी को ऐसे मारी से थाना गए थे? हाँ थाना गए थे तो थाना बंद था। थाना बंद था? हाँ, ताला लगा था।